तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए कमाल धमाल बेमिसाल वीडियो में। मेरा नाम है अतुल, आप देख रहे हैं टेक्निकल फिस्ट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर आप यूज करते हैं कोई एटीएम कार्ड किसी भी टॉप बैंक का हो, चाहे वो आपका एसबीआई या फिर कोई अदर बैंक हो, जिसको मतलब आप कह सकते हैं एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक, तो नए अपडेट के जरिए आपको मैं बताता हूं कि आप कैसे अनलिमिटेड फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं अपने एटीएम कार्ड के थ्रू। यानी आपको पे नहीं करना पड़ेगा कोई सभी चार्ज अगर आप उसी बैंक के एटीएम से यूज करते हैं। और फिर अपडेट के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या दूसरे बैंकों के एटीएम का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए करते हैं प्रारंभ। अब दोस्तों, अगर मैं सबसे पहली बात करता हूं कि आप किस तरह से और क्या करके अपने अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस को वैलिड करा सकते हैं, यानी अगर मैं बात करता हूं कि आपका कोई अकाउंट है एसबीआई में या फिर आप किसी भी कंपनी का यूज करते हैं एटीएम कार्ड, चाहे एचडीएफसी हो, एक्सिस हो, आईसीआईसीआई हो, यानी जो भी टॉप बैंक्स हैं, उन सब के जो है एटीएम कार्ड्स को आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए सिंपल सी बात है कि आरबीआई ने सभी बैंकों को नोटिस भेजा है और उनको ये कहा है कि अगर आपका रेगुलर कस्टमर है आपके बैंक में, वो कुछ कम से कम यानी मिनिमम अमाउंट एक हर महीने रखता है। यानी अगर आप 5,000 अपने बैंक में रखते हैं, आप 10,000 अपने बैंक में रखते हैं, हालांकि ये तो कुछ ऑन द पेपर ऐसा कुछ उनको बताया नहीं गया कि मिनिमम अमाउंट कितना हो सकता है। यानी मिनिमम अमाउंट का मतलब आप 5,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है एक्चुअली, बट दोस्तों एक मिनिमम अमाउंट आपके जो है बैंक में होनी चाहिए। ये तो कन्फर्म उन्होंने नहीं बताया था मिनिमम अमाउंट कितना, बट ऑलरेडी वो है। अब मैं अगर बात करता हूँ मिनिमम अमाउंट की, तो दोस्तों अब मैंने बताया ही आपको कि 1,000, 5,000, 10,000 जितना भी आप हर महीने छोड़ते हैं, यानी वो आप हर महीने फिक्स कर दीजिए कि आप उसको नहीं निकालने वाले हैं। उसके बाद अगर आप यूज़ करते हैं एटीएम कार्ड, तो उसकी जो है वैलिडिटी वो थोड़ा और अच्छी हो जाएगी और फिर उसमें आपको जो है फ्री ट्रांजेक्शन्स भी मिल जाएंगे, जिसमें आपको कोई चार्ज नहीं मिलने वाला है और कोई चार्ज आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप जितनी बार अपने पैसे को निकालते हैं। हालांकि जो है एटीएम कार्ड के एसबीआई वगैरह के हो गए, उसमें अब 40,000 से कम करके 20,000 ही कर दिया गया है, क्योंकि देखा गया काफी सारे फ्रॉड होते हैं, स्कैम होते हैं एटीएम कार्ड्स के, तो इन सबसे बचने के लिए ऐसा हो रहा है। बट एक्चुअली दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा हो सकता है काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए, क्योंकि अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो 70-60 इस तरह के कुछ चार्जेस कट जाते हैं, वो तो बैंक वाइज और एटीएम कार्ड जिसका आप मतलब जिस मशीन में आप निकालते हैं, जिस कार्ड का यूज़ करके, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट दोस्तों, तब भी काफ़ी ज़्यादा रुपए किसी किसी के लिए निकल जाता है अगर वो ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं। तो बस इसी से बचने के लिए आरबीआई ने उनको गवर्न किया है कि अपने कस्टमर को आप अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए। और फिर दोस्तों, आप वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होगी, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो आपको मेरा वीडियो पसंद, तो लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए शानदार वीडियो लाता रहता हूं। तो दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो, तब तक के लिए।